नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में आप सभी दर्शकों को बताए हैं कि पेड़ पौधा में काफी चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, बस उसे हमें पहचानना आना चाहिए। कोई भी पेड़ पौधा होता है, कोई भी वनस्पति होती है, ये बेकार नहीं होता। सृष्टि ने प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पेड़ पौधों को अलग अलग दिव्य शक्ति प्रदान की है, बस उसे हमें जानना आना चाहिए। अगर हम इनके प्रयोग विधि को जानना सीख जाएं, तो हमारे गरीबी, हमारे परेशानी चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे आसपास में पाए जाने वाले ये पौधे देख लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से, इसे आग दूध के नाम से जाना जाता है। और कई वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को बताया हूँ कि 11 वर्ष पुराने जो आग दूध के पौधा होते हैं, इसकी जो जड़ की आकृति होती है, ये भगवान गणेश के जो सूंड होते हैं इसके जैसा बना लेते हैं। 11 वर्ष पुराने जो इसके पौधे होते हैं, आग दूध के पौधे, इसे भगवान गणेश जी का स्वरूप ही माना जाता है। और इसके जड़ पर निधि होता है, यानी कि इसके जड़ पर निश्चित रूप से जो 11.5 वर्ष पुराना है उसमें खजाना होता है, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों में, वनस्पति शास्त्रों में सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके चमत्कारिक फायदा बताने वाला हूँ। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। धन प्राप्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए, सरल से सरल इसके बारे में आसान उपाय बताऊंगा, जो कि ये जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएंगे, बाद में काम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। भगवान गणेश जी के विसर्जन करने से पहले इसके फल अपने घर में अवश्य ले आना, क्योंकि इसके पौधे को भगवान गणेश जी का स्वरूप बताए जाते हैं। और अगर गणेश के सिचुएशन, मतलब जो टाइम है, चले जाते हैं तो बाद में भी समय निकल जाते हैं तो बाद में भी ला सकते हैं। तो इसके फल पर जो रोए होते हैं, जैसे कपास के फल पर होते हैं, तो इसके जो फल उसमें भी रोए होते हैं, तो इसके बत्ती बना करके अगर 21 दिनों तक दीपक जला जाए तो घर से 7 जन्म तक दरिद्रता नहीं रहती, गरीबी नहीं रहती। क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये जो पौधा है भगवान गणेश जी का स्वरूप है। जहाँ पे गणेश जी रहने लगे, निवास करने लगे, गणेश जी की शक्ति, क्योंकि इसमें गणेश जी की शक्ति भी समाहित है, तो वहाँ पे कभी भी दरिद्रता नहीं ठहरती। इसके फल के बीज को देव स्थल पर रखने से धन की प्राप्ति होती है। इसके फल गणेश प्रभु को अर्पित करने से, मतलब इसके जो फल हैं, इसके माला बना लीजिए, और कम से कम इसकी 11 फल की माला आपको बनाना है, और बीच बीच में आपको इसके पुष्प डालना है, और अगर सफेद कलर की हो तो फिर सोने में सुहागा है। तो इसके फल का अगर माला बना लिया जाए और भगवान गणेश जी को समर्पित किया जाए, तो जो भी आप मांगना चाहते भगवान गणेश जी से, बिल्कुल ही वो आपको प्रदान करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, कुछ भी मांग लीजिए, इतना ज्यादा भगवान गणेश जी से प्रसन्न होते हैं। इसके सूखे डंठल का माला बना करके अगर भगवान गणेश जी को पहनाया जाए, तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है, मतलब जो भी आप चीज मांगेंगे वो मिल जाते हैं। और जब तक ये माला अगर आप भगवान गणेश जी को पहनाने के बाद आप धारण करे रहेंगे, तब तक कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगा, दुर्घटना से आपको मृत्यु नहीं होगा, जीवन में किसी भी प्रकार के बाधा, सारे बाधा स्वतः ही इसके माला जो होता है समाप्त कर देते हैं। इसके जड़ पेटी को धन पेटी में पूजा स्थान पे रखने से पूजा स्थान पवित्र होता है, घर पूरा पवित्र हो जाता है। तो गणेश जी का विसर्जन करने से पहले इसके फल अवश्य ले आइए, इसकी मिट्टी ले आइए, जो आपसे बने वो चीज ले आए, और इसे अपने घर में स्थापित जरूर करें। तो आशा करता हूँ कि प्राचीन ज्ञान चैनल में बताएंगे छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।